हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी जोन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि हेल्दी भी है और उतनी ही है टेस्टी। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ये मीठी लापसी, या फिर आप इसे मीठा दलिया भी कह सकते हो। इसे बनाने के लिए वैसे तो बहुत टाइम जाता है, लेकिन हम आज इसे बनाएंगे फटाफट से प्रेशर कुकर में। तो गैस पर रख लिया हमने एक प्रेशर कुकर, और उसके अंदर हम मेजरिंग कप से नाप कर 1/4 कप इतना घी जो है वो डाल देते हैं। सभी मेजरमेंट हम इसी तरह के मेजरिंग कप से लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं है तो आप घर में की कोई भी एक कटोरी का भी यूज़ कर सकते हो। घी के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने 4 हरी इलायची डाल दी है और 2 छोटे टुकड़े डाले हैं दालचीनी के। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 मिनट बस इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून इतना ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट। आप चाहिए तो स्लाइस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और लो फ्लेम पे बस 1 मिनट तक के हमें ये भून लेना है। और 1 मिनट इसे भूनने के बाद अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ दलिया। तो मेजरिंग कप से मैंने ये 1.5 कप इतना दलिया लिया है, जिसे अच्छे से साफ करके लिया है, और इस दलिये को हमें अच्छे से भून लेना है। इसे हमें घी में अच्छे से भून लेना है। जब तक कि इसे भूनना है तब तक कि इसका कलर जो है वो अच्छे से गोल्डन कलर इस पर ना आए। तो ये देखिए, गैस की फ्लेम हमने अभी भी लो ही रखी है और लो फ्लेम पे ही हमें ये दलिया को अच्छे से भूनना होता है। तो एक 5 से 7 मिनट मैंने इस दलिया को अच्छे से भून लिया है, और उसके बाद आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो गोल्डन आ चुका है और बहुत ही सोनी सोनी सी खुशबू इसकी आने लगी है। तो अब हम इस स्टेज पे इस गैस की फ्लेम जो है वो कर लेंगे ऑफ, क्योंकि इसके आगे की प्रोसेस जो है वो ऑफ फ्लेम में ही करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए, मेजरिंग कप से नाप कर मैंने इस दलिया में 4 कप इतना डाला है पानी। कभी कभार हम प्रेशर कुकर में जर्दा या फिर कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो वो सही से पक नहीं पाती है, थोड़े बहुत कच्चे रह जाते हैं चावल। तो इस तरह से गैस की फ्लेम ऑफ करके आप उसमें पानी और जो मीठी चीज़ यानी कि चीनी या गुड़ होता है वो शामिल कीजिएगा। आपका जर्दा या जो भी मीठी चीज़ आप बना रहे हो बहुत ही अच्छे से पकेगा। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून पानी में मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है वो मिला लिया है, और यहाँ पे मेजरिंग कप से नाप कर मैंने 1.5 कप इतना लिया है गुड़। ये दोनों भी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और एक बार इसे हमें बस चलाना है। कलर यूज़ करना ऑप्शनल है, लेकिन ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने यूज़ किया है, आप चाहिए तो स्किप कर सकते हो। और अब इस कुकर को इसकी लीड से कर लेते हैं कवर, और इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम जो है वो करनी है ऑन, और हाई फ्लेम पे कुकर में हम प्रेशर आने का वेट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप चेक कर सकते हो कुकर में अच्छे से प्रेशर बन चुका है। तो अब गैस की फ्लेम कर ली है मैंने लो, और लो फ्लेम पे हमें एक 10 से 15 मिनट के लिए इस कुकर को इसी तरह से गैस पर रखना है। एक 10 से 15 मिनट हमारी जो दलिया है वो अच्छे से पकने के बाद गैस की फ्लेम हमें करनी है ऑफ, और इस कुकर को खोलना नहीं है, अच्छे से ठंडा होने देना है। कुकर का सारा प्रेशर रिलीज होने के बाद इसकी लीड हटा लेते हैं और दलिया चेक करेंगे। वाओ, आप देख सकते हो ये दलिया कितना अच्छे से बन चुका है, इसका हर एक दाना खिला हुआ बना है, और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी दलिया हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये एक हाई प्रोटीन से भरी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।